नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग कवर करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट टुवर्ड्स क्लाइंट्स, यानी पक्षकारों के प्रति, अपने मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता के क्या कर्तव्य होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनिवार्य करवाया गया है लॉ के सिलेबस में। जितने भी लीगल प्रोफेशंस हैं जो लॉ से कनेक्टेड हैं, जैसे अधिवक्ता हो या जजेस हो, उन सभी को कुछ ऐसे अपेक्षित नियमों का पालन करना होता है ताकि लॉ की डिग्निटी मेंटेन हो, न्यायालय की डिग्निटी मेंटेन हो। और इसी को लेकर प्रोफेशनल एथिक्स एक सब्जेक्ट जोड़ा गया जो कि लॉ के विषय में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट टुवर्ड्स क्लाइंट, यानी एक अधिवक्ता का अपने पक्षकारों के प्रति, यानी मुवक्किल के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों के बारे में क्वेश्चन आता है और इन क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो न्याय चाहता है, और न्याय चाहता है इसीलिए वो अपने अधिवक्ता के पास आता है। कोई भी मुवक्किल अपने वकील के पास इसीलिए जाता है ताकि उसे न्याय मिल सके। तो सबसे पहले अधिवक्ता का पहला कर्तव्य यह हो जाता है कि वो अपने पक्षकार को, अपने मुवक्किल को न्याय दिलवाने का पूरा प्रयास करे। पूरी मेहनत के साथ, पूरी परिश्रम के साथ वह मुवक्किल का पक्ष न्यायालय में बहुत मजबूती से रखे, मेहनत करके। और यह इंटेंशन रहना चाहिए अधिवक्ता का कि वो अपने मुवक्किल को न्याय दिलवाए या अपने मुवक्किल को उसका केस जीतवाए। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है और इसी उम्मीद और आशा के साथ एक पक्षकार अधिवक्ता के पास आता है। तो सबसे पहली ड्यूटी है टू टेक केयर द केस ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहले अधिवक्ता को अपने क्लाइंट के केस की परवाह करनी चाहिए, उसको केयर करना चाहिए। ही मस्ट टेक द केयर ऑफ द केस ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट के केस को बहुत ही मजबूती से, परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ उसे रखना चाहिए, सबसे पहला कर्तव्य है। दूसरा है प्रेजेंट द केस। इस प्रकार से केस को प्रेजेंट करना चाहिए जो बहुत ही इफेक्टिव हो। इफेक्टिव मतलब बहुत ही प्रभावी ढंग से अपने मुवक्किल के केस को न्यायालय को समझाना चाहिए ताकि जज को मुवक्किल का केस समझ में आए और उसके बाद वो मुवक्किल के फेवर में जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर ला सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है एक तो मुवक्किल के केस के लिए परिश्रम करें, मुवक्किल के केस को इस प्रकार से, इस तरीके से, इस मैनर से प्रेजेंट करें ताकि न्यायालय में पक्षकार के फेवर में जजमेंट आ सके। प्राइवेसी को मेंटेन करें, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवोकेट को प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए, कभी भी क्लाइंट्स की बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ही शुड मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट। तो अधिवक्ता का यह कर्तव्य होता है कि जब पक्षकार अधिवक्ता को अपनी सारी बातें बताता है तो अधिवक्ता उसकी ये बातें बाहर कहीं पर कम्युनिकेट ना करे। तो हमेशा सीक्रेसी को, एकांतता को, गोपनीयता को मेंटेन करना चाहिए, यह अधिवक्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। क्लाइंट के प्रति यदि हम ड्यूटी की बात करें तो गुड बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अधिवक्ता को अच्छा आचरण करना चाहिए क्लाइंट के साथ, अच्छा सही तरीके का आचरण, सही तरीके का व्यवहार करना चाहिए। अधिवक्ता हमेशा अपने पक्षकारों के साथ उचित भाषा में प्रयोग करे। ऐसा नहीं कि अपने डिग्री का या अपनी पोजीशन का, अपने स्टेटस का वह दुरुपयोग करे, उसे इन्फ्लुएंस करे, उसे गाली गलौज करे। इस प्रकार का काम अधिवक्ता को नहीं करना चाहिए। क्लाइंट बड़ी उम्मीदों के साथ एक एडवोकेट के पास आता है तो उसे एक अच्छा बिहेवियर मिलना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। अनदर ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट इज नॉट टू डू एनी इकोनॉमिक और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एक अधिवक्ता को किसी प्रकार का धन संबंधी या प्रॉपर्टी का लेन देन या किसी प्रकार का मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। जहां जहां मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा, जहां जहां प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन होंगे तो अधिवक्ता और मुवक्किल के संबंध बिगड़ सकते हैं, यानी कटुता आ सकती है संबंधों में। इसीलिए एक और यह ड्यूटी कही गई है कि अधिवक्ता को किसी प्रकार का धन संबंधी या संपत्ति संबंधी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी की बात करें, रिजनेबल फीस। अधिवक्ता को सदैव रिजनेबल फीस लेनी चाहिए, जो उचित फीस हो वही लेनी चाहिए, अनुचित फीस नहीं लेना चाहिए। और एक बार फीस तय हो गई है तो बार बार उसे अलग अलग ओकेजन पे बार बार फीस नहीं लेनी चाहिए। तो अधिवक्ताओं को जो तय फीस है उतनी ही लेनी चाहिए और एक रिजनेबल अमाउंट लेना चाहिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। क्योंकि यह एक पेशा है, यह कोई कमाई का साधन नहीं है। विधि को व्यवसाय कहा जाता है, इट इज नॉट ट्रेड और बिजनेस, ये एक प्रकार का व्यापार नहीं है। तो हमेशा न्याय दिलवाना पहला ड्यूटी होनी चाहिए, ना कि लाभ अर्जन करना, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नो फ्रॉड। फिर अधिवक्ता को कभी भी अपने क्लाइंट के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड या कपट नहीं करना चाहिए, धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। और जो मनी यानी जो धन, मान लीजिए क्लाइंट ने कोई मनी
किराया जमा करने के लिए, कोर्ट में जमा करने के लिए, स्टाम्प ड्यूटी के लिए दिया है, क्या उस अमाउंट को अधिवक्ता अपने स्वयं के खर्चों में उसे खर्च करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि क्लाइंट के दिए हुए रुपयों को सही जगहों पर इन्वेस्ट करना, अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट टेंडर द मनी इन हिज ओन पॉकेट। तो अधिवक्ता को धन संबंधी बातों पर भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अधिवक्ता का एक और ड्यूटी है क्लाइंट के प्रति, दैट इज गुड एडवाइस। अधिवक्ता खुद भी लीगल कानून के दायरे में रहकर काम करे और यही अपने पक्षकार से भी करवाए। तो अधिवक्ता का क्लाइंट के प्रति एक और ड्यूटी होती है कि वह उसे अच्छी और नेक सलाह दे, गुड एडवाइस दे। कानून को तोड़ने की एडवाइस कभी भी नहीं देनी चाहिए। कोई गलत काम करने की एडवाइस अधिवक्ता को नहीं देनी चाहिए। अपने पक्षकार के प्रति कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है प्रिवेंट फ्रॉम रॉन्गफुल एक्ट, यानी अधिवक्ता जो है पक्षकारों को गलत काम करने से रोके भी। ये भी उसकी ड्यूटी होती है कि वह पक्षकारों को गलत कार्य करने से रोके, ऐसा कोई सलाह न दे जिसमें कोई व्यक्ति अपराध की ओर आगे बढ़े। और अंत में एक महत्वपूर्ण ड्यूटी की हम बात करेंगे, नो कोल्यूसिव ट्रीटी, दुर्भि संधि नहीं करना चाहिए। दुर्भि संधि का मतलब है यू शुड नॉट शेक द हैंड विद अपोनेंट काउंसिल, अपोनेंट पार्टी। कई बार अधिवक्ताओं के ऊपर आरोप लगता है कि हमारे वकील साहब मिल गए, सामने वाले पक्षकार से मिल गए, इसको बोलते हैं कोल्यूसिव ट्रीटी। तो कभी भी अधिवक्ता को सामने पक्षकार के प्रति, सामने पक्षकार के साथ कोल्यूसिव ट्रीटी नहीं करना चाहिए, दुर्भि संधि नहीं करना चाहिए। जिस पक्षकार का केस लिया है उसका केस ईमानदारी से उसके फेवर में परिश्रम करके जितवाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये है कुछ प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कुछ ड्यूटीज जो एक एडवोकेट की एक क्लाइंट के प्रति होती है, और यही आपके एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिसका उत्तर इस प्रकार से आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।